वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, जो आज भारत देश में एक बहल बहुत ही बड़ा रूप लेके जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जो एक नागरिकता संशोधन बिल पेश हुआ था, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सीएबी और सीएए और एनआरसी क्या होती है। इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा कि इनका क्या कारण है, कि कौन से बिल है, आपको इनके बारे में समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज जिन व्यक्तियों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि जारी है, भारत के विभिन्न राज्यों में शक्ति प्रदर्शन, उपद्रव, पुलिस वाले गाड़ी जलाना, सारी चीजें आप देखते रहे हो। लेकिन दोस्तों, इस बिल में ऐसी क्या खासियत है जिसके कारण सारा उपद्रव पैदा हुआ था? दोस्तों, नागरिकता बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है कहा जाता है, क्योंकि ये लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को पास कर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर संसद में बिल पास होने के बाद दोस्तों उस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को हस्ताक्षर कर उस बिल को लागू कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद में इस बिल का नाम, इस एक्ट का नाम क्या हुआ? नागरिकता संशोधन एक्ट हो गया। क्योंकि सीएबी पहले ये बिल था, ये कानून नहीं था, लेकिन इस बिल को कानून का रूप दे दिया गया है। 9 दिसंबर 2019 को संसद में ये बिल पेश हुआ था, जिसे कहते हैं सीएबी बिल को कहते हैं, जो मसौदा तैयार कर पेश किया जाता है उसे बिल कहते हैं, जिसे सिटीजन अमेंडमेंट बिल कहा जाता था। क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें अमेंडमेंट की है, चेंज की है, संशोधन किया है। उसके बाद में 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर साइन कर इस बिल को एक कानून बना दिया गया है, जिसे कहते हैं नागरिकता संशोधन एक्ट। जो बिल है उसके स्थान पे अब एक्ट, ये कानून बन गया है। क्योंकि जो सीएबी है उसको अब सीए कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी चीज, अगर कोई भी कानून बनता है तो पहले एक मसौदा तैयार किया जाता है, उसे कहते हैं बिल। उस बिल को फिर संसद में रखा जाता है, जिसमें दोनों सदनों में पास होने के बाद वो बिल कानून का रूप लिया जाता है, जिसे कहते हैं सीए, जिसको सारे देश में बहाल मचा हुआ है कि आप ये सीएबी और सीए क्या है। ये सारी चीजें आप केवल टीवी और टेलीविजन में देख रहे हैं। दोस्तों, मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ, जिस बिल को संसद में पास किया है वो वास्तव में है क्या, क्या चीज है। ये सारी चीजें आपको समझना है, गुमराह नहीं होना है। क्योंकि सीएबी ये एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट किसी भी बिल में एक्ट में संशोधन करना सीएबी कहलाता है, और उस संशोधन कर उसको संसद में पेश कर दिया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा साइन किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, उसके बाद में वो एक कानून का रूप ले लिया जाता है, जिसे सीए कहा गया है। दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना कहना चाहता हूं कि 12 दिसंबर को संसद, 9 दिसंबर को संसद में पास होकर, दोनों सदनों में पास होकर 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा जो साइन किए गए हैं उस बिल को नागरिकता संशोधन एक्ट हो गया, उसे जिसे सीए कहा जाता है। आज अपन टेलीविजन में देखते हैं कि सीएबी सीए क्या है, एनआरसी क्या है। दोस्तों, ये इसे सीएबी और सीए कहा जाता है। इसी प्रकार जो एनआरसी है, एनआरसी क्या है क्या नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि अमेंडमेंट करने के बाद ये कहा गया है कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। उस जो व्यक्ति है उनका एक रजिस्टर बनाइए, जो रजिस्टर है उसमें नाम लिखिए, कौन व्यक्ति कब किस टाइम पे भारत आया था। इसमें जिस प्रकार के जो देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनमें जो हिंदू आदि व्यक्ति, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये व्यक्ति आए थे, उन्हें इसमें छूट दी गई है, ओनली मुस्लिमों को छोड़ के। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को
या इससे पहले भारत आ गए उनको सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ये इस कानून में संशोधन किया है। इसी के साथ साथ एनआरसी नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, ये केवल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद केवल असम राज्य में ये नागरिकता नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन बिल ये लागू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उन व्यक्तियों की पहचान करनी है, भारतीय नागरिक के नाम रजिस्टर है, विदेशी नागरिक बांग्लादेश जैसी कुछ बेटियों की पहचान करने के लिए असम में केवल अपडेट किया है। जो 1971 में बांग्लादेश में जो युद्ध हुआ था उनके बाद में जो बांग्लादेशी पाकिस्तानी अफगानिस्तानी जो व्यक्ति आए हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा उनको नहीं दी जाए भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी, भारत से उनको जाना पड़ेगा। इसलिए ये केवल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एनआरसी लागू की है। एनआरसी के मतलब है 2014 के पहले जो भी व्यक्ति भारत में आ चुके हैं या उनके पूर्वज यहाँ रहे हैं उनको ही भारत में रहने का अधिकार है, अन्य व्यक्ति को अगर 2000 के पहले हैं उन व्यक्तियों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बाय डाटा रजिस्टर करना पड़ेगा, नेशनल रजिस्टर सिटीजन, नेशनल जो वहां का रजिस्टर होता है भाई किन के परिवर्जन इन साल से यहाँ रह रहे, वो सारी चीजें इसमें देखनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों इस तीनों बिलों का मैं आपको अर्थ समझा देता हूं। सीएबी क्या है? सीएबी एक बिल है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून बनाने पर, मसौदा तैयार करने पर उस बिल को संसद में पेश करना सीएबी कहलाता है। इसके बाद दोनों सदनों में अगर वो पास हो जाता है तो वह सीए हो जाता है, वो एक कानून बन जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं सीए। इसके बाद रजिस्टर राष्ट्रपति द्वारा साइन होने के बाद वो कानून बन जाता है, इसी प्रकार उसे कहते हैं सीए। इसी प्रकार एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजन, यहाँ के पहले 2014 के पहले कौन कौन भारत आए और कौन नागरिक यहाँ का रहने वाला, ये केवल असम में अपडेट किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। इसलिए दोस्तों अगर आपके ये समझ में आ गया हो तो इसे अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।